भारत आकार की दृष्टि से विश्व के सबसे विशाल देशों में से एक है, जिसमें कई राज्य और द्वीप सम्मिलित हैं। प्रत्येक राज्य एक दूसरे से काफी भिन्न है। कोई अपनी कला के लिए पहचाना जाता है तो कोई अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए जाना जाता है, कोई अपने पर्यावरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत की राजधानी दिल्ली भी अपने यहाँ की राजनीति और ऐतिहासिक इमारतों के लिए विश्व में काफी मशहूर है। देश की राजधानी में स्थित सफदरजंग का मकबरा अपनी कलाकृति और ऐतिहासिक घटनाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है। सफदरजंग फारस के मूल निवासी थे, जिनका जन्म 1708 ईस्वी में हुआ था। जन्म के कुछ वर्षों बाद ही वह भारत आ गए थे और अवध के सूबेदार बना दिए गए थे। वह 19 मार्च 1739 तक अवध के शासक के पद पर आसीन थे। मुगल साम्राज्य के वंशज मोहम्मद शाह बाकी दूसरे वंशजों से बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली थे, जिस कारण 1748 ईस्वी में उन्हें मुगल साम्राज्य के सम्राट के रूप में घोषित कर दिया गया था। मोहम्मद शाह के सम्राट बनने के बाद उन्होंने सफदरजंग को सम्राट का प्रधानमंत्री यानी कि वजीर बना दिया गया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में साम्राज्य में काफी गिरावट आई थी, क्योंकि उनका शासन केवल उत्तर भारत तक ही सीमित हो गया था। प्रधानमंत्री के रूप में सफदरजंग ने साम्राज्य की सभी शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर लिया था, क्योंकि वह राजा अब केवल एक कठपुतली के समान रह गया था, जो केवल एक अपने ऐशो आराम के बारे में सोचता था। सफदरजंग ने अपनी शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग किया, जिसके कारण सम्राट के परिवार वाले वजीर से काफी दुखी हो गए और उन्होंने अपने हिंदू मराठा संघ को बुला लिया, ताकि वे अपने इस तानाशाही वाले वजीर से छुटकारा पा सके। जिसके बाद एक युद्ध हुआ और वर्ष 1753 ईस्वी में सफदरजंग को दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके कुछ समय पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे नवाब शुजादा दौला ने मुगल सम्राट से दिल्ली में अपने पिता के लिए एक मकबरा बनाने की अनुमति ली, जिसके बाद उन्होंने मुगल शैली में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। सफदरजंग मकबरे के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सफदरजंग का वास्तविक नाम मिर्जा मुकीम अबुल मंसूर खान था, जिनका जन्म 1708 ईस्वी में फारस के एक जाने माने परिवार में हुआ था। वर्ष 1722 ईस्वी में सफदरजंग भारत आए थे, जिसके बाद कुछ सालों बाद वर्ष 1748 ईस्वी में उन्हें मुगल सम्राट द्वारा मुगल साम्राज्य का प्रधानमंत्री यानी वजीर बना दिया गया था। और सफदरजंग के मकबरे को बनने में पूरा एक साल लगा था। सफदरजंग के मकबरे का निर्माण मुगल वास्तुकला में किया गया है। मकबरे की संरचना को एक इथियोपियाई वास्तुकार ने बनाया था। यह मकबरा लगभग 300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें बगीचे और क्यारियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस प्रसिद्ध मकबरे में पत्थरों की जिन खूबसूरत पट्टियों का प्रयोग किया गया है, उन्हें अब्दुल रहीम खंखाना की कब्र से लाया गया था। यह मकबरा चारों ओर बागों से घिरा हुआ है। यह मकबरा दिल्ली में स्थित सभी ऊंची इमारतों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 9 मंजिला है। इस मकबरे में काफी रहस्यमय चीजें हैं, जिनमें सबसे रोचक 5 भाग वाले एक मुखौटे के पीछे छिपी हुई सीढ़ी वाले एक बड़े मंच का रहस्य है। इस मकबरे में कई प्रवेश द्वार सम्मिलित हैं, परंतु इसका सबसे बड़ा प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में स्थित है, जो कि लगभग 2 मंजिला है। वर्ष 1823 से 1826 के मध्य कलकत्ता के बिशप रेजिनाल्ड हेबर ने मकबरे के भीतर हल्के भूरे रंग को देखकर उनका परीक्षण किया और यह पाया कि कमरों को रंगने के लिए खाद्य पदार्थ के रंगों का प्रयोग किया गया है। यह मकबरा मुगलों द्वारा बनाई गई ऐतिहासिक इमारतों में सबसे अंतिम है। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में ASI के 174 संरक्षित स्मारकों में से एक है। तो दोस्तों, ये था सफदरजंग टॉम का संपूर्ण इतिहास। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।